something. दोस्तों इस हफ्ते का नहीं, हर एक हफ्ते का मेरा फेवरेट 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 वीडियो हो गया है चालू. संडे आ गया है, वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 100 एंड अरे नहीं याद आ रहा काय 63 ना. परत करतो चल. दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट, एब्सोल्युटली फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट हफ्ते का जो वीडियो होता है वो होता है ये हैशटैग आस्क करुण. जी हाँ, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 163 का. बहुत सारे जबरदस्त सवाल लेके आया हूं. मतलब मैं सवाल नहीं पूछा, आपने मुझसे सवाल पूछे हुए और बहुत सारे जबरदस्त जवाब लेके आया हूं आपके लिए. यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस एपिसोड, ये मेरी प्रॉमिस है दोस्तों. लेकिन प्रॉमिस तो होती रहेगी, उसके पहले दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं. लाइक आई हैव प्रॉमिस्ड यू, दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक वीडियो. इसलिए ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, बहुत सारे सवाल लिए हुए. हर्ष पांडे जी पूछते हैं और अच्छे सवाल पूछे उन्होंने. इंडिया में 5G आने से 4G नेटवर्क्स पर क्या इफेक्ट होगा? नहीं होगा कुछ, डोंट वरी अबाउट इट, नहीं होगा. इट्स स्पीड डिक्रीज इंक्रीज और सेम, इट विल रिमेन द सेम. लेकिन जो सेम 4G नेटवर्क्स हैं दोस्तों वो 5G में कन्वर्ट हो सकते हैं. जैसे एयरटेल ने ऑलरेडी कह दिया है कि वी आर ऑलरेडी 5G रेडी. यस, जैसे ही हमें स्पेक्ट्रम मिल जाएगा हम इमीडिएटली 4G को 5G में स्विच कर देंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4G चला जाएगा. तो अगर आपका फोन 5G नहीं है, 4G है, फिर भी आप इस्तेमाल कर पाओगे, डोंट वरी. दूसरा सवाल पूछते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्टा क्वाड ड्यूअल कोर प्रोसेसर एंड व्हाट इज NM प्रोसेसर, प्लीज एक्सप्लेन इट. वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ बताया हुआ है SoC सिस्टम ऑन चिप के बारे में, सब कुछ बताया हुआ है प्रोसेसर के बारे में, गो एंड वॉच इट. सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे जो आपके सवाल है प्रोसेसर को लेके सब सॉल्व हो जाएंगे. बहुत अच्छा वीडियो है, 6-7 मिनट का वीडियो है, गो एंड वॉच दैट. साहिल चौहान पूछते हैं, हेलो अरुण सर, योर वीडियोज आर फैंटास्टिक. फायर 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 फायर, किधर है फायर? फायर इधर ही है, इधर. My question is why MediaTek doesn't launch flagship processor to give competition to SD888 Apple Bionic chips और Exynos 2100. It's not easy. लेकिन एक बात कहूँ, पिछले 2 साल से MediaTek has done really really well. और 888 के competition में भी chipset आएगी दोस्तों. 1200 अभी launch कर रहे हैं वो, उनकी जो Dimensity 1200 Plus वगैरह वो launch करने वाले हैं, और भी chipsets आने वाले हैं. So give them time. It will not happen overnight. ऐसे immediately उनके competition में आएगा ऐसे नहीं हो सकता है यार. सोचिए Apple और Qualcomm इतने बड़े बड़े companies, MediaTek भी बड़ी है, बट गिव देम सम टाइम, दे आर डूइंग गुड. एटलीस्ट अभी कंपीट कर रहे हैं. इनफैक्ट MediaTek हाईएस्ट सेलिंग चिपसेट थी पिछले साल में, तो सोचिए. सो गिव देम सम टाइम, दे विल डू इट. सुमित बुलकुंडे पूछते हैं, इज असुस विल लॉन्च 5G फोन्स दिस ईयर? यस, आएंगे. ROG फोन 5 आएगा, और भी शायद आ सकते हैं. सो यस. निधिन माहेसन पूछते हैं, व्हाट टेक्नोलॉजी विल कम इन 2050? ओ माई गॉड, टेलीपोर्टेशन. ऐसे मैं इधर वीडियो कर रहा हूँ और टेलीपोर्ट होके सीधा आपके घर तक पहुँच के आपके सामने वीडियो दे रहा हूँ. मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट जोकिंग. लेकिन देखिए, 2050, इट इज़ 40 ईयर्स अवे. 40 साल में तो यार पता नहीं क्या हो जाएगा. पिछले 1-2 दिन में ऐसी न्यूज़ आई है कि आदमी की हीट जनरेट करके एनर्जी जो है वो, मतलब बेसिकली आदमी को बैटरी बना दिया है. सोचिए, ये टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, आगे का तो ओ माय गॉड, मतलब इट इज़ बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. लेकिन सब कुछ AI होगा, एवरीथिंग विल बी वर्चुअल, और टेलीपोर्टेशन भी शायद पॉसिबल हो जाएगा, शायद टाइम ट्रैवल भी आ जाए, क्या पता यार. आई सीरियसली डोंट नो, क्रेजी. मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ, सपने में मैं सोचता हूँ कि भाई क्या हो सकता है. मतलब मैं 5 साल के आगे नहीं जा सकता हूँ, आप 40 साल के बारे में पूछ रहे हो, माय गुडनेस. AR आर्यन पूछते हैं, सर विच इज बेटर, Mi 11 और ASUS ROG Phone 3 फॉर गेमिंग? अरे गेमिंग के लिए तो ASUS ROG Phone 3 सवाल ही नहीं आता है. वो ट्रिगर्स वगैरह हैं, 140Hz फास्ट रिफ्रेश. देखिए, Mi 11 भी अच्छा है, नया फोन है, 888 प्रोसेसर पे आता है. अगर आप कंपेयर करते हो ROG Phone 3 का प्रोसेसर, तो उससे अच्छा ये प्रोसेसर है, उसका नेक्स्ट जनरेशन का है. लेकिन अगर ओवरऑल पैकेज की तरफ अगर मैं कहूँ, तो आई स्टिल सजेस्ट यू ROG Phone 3, वरना रुक जाइए, ROG Phone 5 आ रहा है, ले लीजिए, महंगा होने वाला है, इतना मैं कहता हूँ. लव यू फ्रॉम ओडिशा, प्लीज कम टू ओडिशा, ह्यूज नंबर्स. यस, आई हैव टू, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम,
नॉर्थ ईस्ट इन जगहों पे मुझे जाना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। इसलिए दूर होता है महाराष्ट्र से, मतलब इवन फ्लाइट लेके जाऊं तो भी मेरा एक दिन पूरा चला जाएगा, उस दिन के वीडियो का क्या होगा सोचिए। सो यू नो आई हैव टू प्लान प्रॉपरली, और अभी तो पिछले एक साल से आपको पता है क्या चल रहा है। बट येस आई एम गोइंग टू कम, दैट्स अ प्रॉमिस। टाइमलाइन सिर्फ मुझसे अब मत पूछिए, 2021 में ट्राई करने वाला हूँ पूरा वो एरिया कवर करने का, एंड वील हैव फैन मीटअप्स। यस ध्रुव पूछते हैं बेस्ट TWS अंडर 2000, जरूर जाके देखिएगा। अभी एक महीने पहले 15 दिन पहले ही किया हुआ है, जाके वो वीडियो देखिएगा। आपको मैंने बताए हुए 5 सबसे अच्छे TWS ईयरफोन्स अंडर 2000, गो एंड वॉच इट। एमरॉन कोस्टा पूछते हैं व्हाई वायर्ड ईयरफोन्स आर बेटर देन वायरलेस, बिकॉज सिंपल है दोस्तों। देखिए कॉपर वायर्स में से जो सिग्नल जाता है, आपके ऑडियो सिग्नल जाते हैं, वो ड्रॉप ऑफ नहीं होते हैं। वायरलेसली जब जाता है तो बहुत सारे हिंड्रेंसेस वगैरह आते हैं, एंड एनी टाइम एनी डे वायर्ड विल ऑलवेज बी बेटर देन वायरलेस, क्योंकि सिग्नल जब ड्रॉप होते हैं तो ऑडियो क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेट होती है। कभी कभी ना जीभ है ना हैवी हो जाती है, डिटीरियोरेट हो जाती है। या सो वायर्ड विल ऑलवेज बी गुड, ऑलवेज याद रखिए बात। आदिल खोखर पूछते हैं Redmi Note 10 सीरीज के बारे में बताइए, ऐसा तो सिर्फ आप जो अच्छा Redmi Note 10 सीरीज के बारे में बताइए जो सिर्फ आपको ही पता है, मतलब मुझे ही पता है आने वाला है, इतना पता है 100% नहीं, उससे भी ज्यादा। Redmi Note 9 में जितनी कंफ्यूजन थी उससे ज्यादा Redmi Note 10 सीरीज कंफ्यूज करने वाला है, यह भी मुझे पता है। वैसे आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, मार्च में आ रहा है, मार्च के पहले वीक में आ रहा है, ये भी मैं बता दूं आपको। और मेरे हाथ बंधे हुए हैं वरना मैं जरूर आपको बता दूं। आई कैन नॉट से एनीथिंग। दिबाकर पूछते हैं माय क्वेश्चन इज व्हाट्स पेरिस्कोप लेंस, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, बिग फैन फ्रॉम पुरी। ओह नाइस, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू स्टूडियो एंड न्यू चैनल। थैंक यू दिबाकर जी, थैंक यू सो मच। और पेरिस्कोप बेसिकली इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ टेलीफोटो सेंसर। बेसिकली क्या होता है, टेलीफोटो सेंसर नॉर्मल होता है, सीधा होता है, ये जो है पेरिस्कोप इट हैज गॉट अ मिरर, मतलब जो जूम लेवल्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं मिरर की वजह से। दे कैन हैव अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेंसर, जिसकी वजह से क्या होता है ज्यादा आपको जूम जो है वो मिलती है पेरिस्कोप लेंस में। डिटेल में नहीं, सिंपलिस्टिक वर्ड में बता रहा हूँ, बट जैसे मैंने बताया नेक्स्ट लेवल की टेलीफोटो लेंस होती है वो। यस गौतम पूछते हैं सर व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ वन प्लस 9 लाइट एंड व्हाट माइट बी इट्स स्पेसिफिकेशंस। यार स्पेसिफिकेशंस कहा जा रहा है कि वो 865 पे आने वाला है और अच्छे प्राइस पे आएगा, अराउंड 35 के बीच में आने वाला है, 865 प्रोसेसर होगा, इतना ही पता है। लव टू ड्यूक, लव ट्रैक इन टेक एंड ड्यूक, लव फ्रॉम हैदराबाद। थैंक यू जी। वैसे हैदराबाद बहुत जल्दी आने वाला हूँ, एक काम है, कुछ ज़बरदस्त आ रहा है, कुछ वीडियो आउटडोर्स, आई एम एक्साइटेड, आ रहा हूँ बहुत जल्दी हैदराबाद। देवो प्रिया देव पूछते हैं हाय अरुण सर, लव फ्रॉम झारखंड। यस बोलिए सर, किसको पता चला मैंने ऐसे क्यों किया, बताइए बताइए, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है, कमेंट्स में बताइए। जब मैंने देवो प्रियो दे का पहली लाइन पढ़ी, हाय अरुण सर लव फ्रॉम झारखंड, मैंने ऐसे क्यों किया, नहीं पता तो यार कम ऑन। सर माय क्वेश्चन इज इफ माय बजट इज अराउंड 35K देन व्हिच स्मार्टफोन आई शुड बाय, रियलमी X7 प्रो और ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G और एनी वन प्लस मॉडल। Realme X7 Pro, आप अगर स्पेसिफिकेशंस वगैरह कंपेयर करते हो तो मैं कहूँगा X7 Pro अच्छा है, लेकिन अगर प्रीमियम दिखने वाला चाहिए ओप्पो का चाहिए, इवन ओप्पो रेनो 5 Pro बहुत अच्छा फ़ोन है, मतलब कर्व्ड डिस्प्ले वगैरह, कर्व्ड बैक है, आप देखोगे उसके पास इट रियली लुक्स वेरी प्रीमियम। तो बट हेड टू हेड स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो मैं आपको रियलमी X7 Pro सजेस्ट करूंगा। ऋषिकेश साहू पूछते हैं विल पोको लॉन्च देयर लैपटॉप स्मार्ट बैंड एंड टैबलेट एज पोको हैज बिकम अ इंडिपेंडेंट कंपनी। यस दे विल यार, देखो बहुत जल्दी सब कुछ आने वाला है, साहब सिर्फ पोको ही क्यों, हर एक स्मार्टफोन कंपनी, मतलब 10 में से 8 लोग यही ये सब लेके आएंगे, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच, वेरेबल्स, टैबलेट सुनिए, टैबलेट की डिमांड बहुत कम है, लैपटॉप्स लेके आएंगे। सुभाषिनी बारिक पूछते हैं सर इज सैमसंग M51 द बेस्ट अंडर 25,000 और शुड आई वेट फॉर F62 और A52? रुक जाइए, F62 के लिए रुक जाइए, कल परसों ही पता चल जाएगा आपको। यस वेट फॉर F62। गौरव पूछते हैं माय नेम इज माय सेल्फ गौरव साहू, माय क्वेश्चन इज डू वी रियली नीड स्नैपड्रैगन 400 सीरीज प्रोसेसर इन 5G? यस वी नीड,
We need budget processes from both MediaTek as well as Qualcomm Snapdragon. क्योंकि क्या होगा पता है, 6 सीरीज 7 सीरीज 8 सीरीज में आ गया तो वो 20-25 हज़ार के ऊपर चले जाएंगे फोन्स। अब 400 सीरीज में 5G फोन आपको चाहिए, आपको समझिए 10 हज़ार का एक फोन चाहिए। मुझे Qualcomm, बिल्कुल Snapdragon, मुझे MediaTek अच्छा नहीं लगता, मुझे Snapdragon का ही प्रोसेसर वाला 5G फोन चाहिए और मेरा बजट 10 हज़ार है। There is no other option than Snapdragon 400. So yes, options हमेशा अच्छे होते हैं, जितने ज़्यादा options उतने ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा कंज्यूमर के लिए। They can pick and choose. सर वैसे अच्छा लग रहा है ना #askarun एपिसोड, लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है आपके लाइक्स देख के। और फिर से हर रोज के हर एपिसोड के जैसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ जिन लोगों के सवाल नहीं ले सकता हूँ, प्लीज सवाल पूछते रहिए, कभी ना कभी जरूर मैं आपका लूंगा। 20 सवाल होते हैं, हजारों क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। सो वेरी वेरी सॉरी इफ आई एम नॉट टेकन, वेरी सॉरी। सर पबजी मोबाइल इंडिया का क्या होगा? माई नेम इज अभिनव खुलिया। अभिनव जी, PUBG मोबाइल इंडिया क्या कहूं, अभी आना तो चाहिए था, आगे क्या होगा माय गेस इज एज गुड एज योर्स, या फिर योर गेस इज एज गुड एज माइन। जी हाँ ऐसे ही है, क्या कहूं भाव, कैसे ना शांत, अगर मैं शांत हो जाता हूँ तो कैसे एकदम टोटल मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगने लगता है, लेकिन ठीक है, पबजी मोबाइल इंडिया का भी यही सीन है, बहुत अनकंफर्टेबल है बहुत सारे लोग। भाव तुम्ही ट्रैक इन ऑटोवर, नहीं नील पूछते हैं, भाव तुम्ही ट्रैक इन ऑटोवर टॉप 5 कार अंडर सर्टन प्राइस शुरू करा जस्ट लाइक यू डू विद स्मार्टफोन्स। 100% सबसे अच्छे 3 कार्स 5 लाख के नीचे, सबसे अच्छे कार्स 50 लाख के नीचे, 1 करोड़ के नीचे, मेरे सबसे फेवरेट पिक्स। यार थोड़ा देखिए कैसे है, वी आर जस्ट गेटिंग इनटू इट, और स्मार्टफोन्स हमने इस्तेमाल किए हुए होते हैं मेरे, आई डोंट वांट टू जस्ट से, मतलब करने के लिए सभी लोग करते हैं दोस्तों, मैं आपको ऐसे वीडियोस नहीं देना चाहता हूँ विच आई डोंट बिलीव इन। तो मुझे देखने हैं, मुझे परखने हैं, जैसे मैं स्मार्टफोन्स के साथ करता हूँ वैसे ही कार्स के सब स्पेसिफिकेशन देखूंगा, शायद चलाऊंगा भी, रिव्यू भी दूंगा उसके बाद में धीरे धीरे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएंगे, आएंगे वीडियोस, बट गिव मी सम टाइम, टाइम का तकाजा है यही है, लेकिन लेके आएंगे आपके लिए 100%। सिर्फ नाम के लिए करना है इसलिए लोगों को मैं गलत चीजें कभी नहीं बताऊंगा, इतना याद रखिए, दैट्स अ प्रॉमिस टू यू ऑल। प्रज्वल पूछते हैं, व्हेन विल यू स्विच टू फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, व्हिच इज योर फेवरेट इलेक्ट्रिक कार एंड बाइक? वैसे दोस्तों मैंने ऑटो चैनल पे पेट्रोल बाइक वर्सेस इलेक्ट्रिक बाइक का एक कंपैरिजन किया, कि आपने लेना चाहिए क्या, जरूर जाके देखिएगा वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वैसे ट्रैक इन ऑटो अगर पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब भी जाके कीजिएगा, दैट पर्टिकुलर वीडियो सीरियसली आपने देखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बाइक अभी लेनी चाहिए या नहीं। और अगर आप मैं आपका सवाल कहूँ तो देखिए देर आर सर्टन चैलेंजेस, बट अगले 1 साल में मैं मेरी जो मेन कार होगी वो मैं इलेक्ट्रिक को स्विच करने की कोशिश करने वाला हूँ, दैट आई विल डेफिनेटली से। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है वही है, बाकी सब अच्छा है इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। सौमिक पूछ रहे हैं, आप ट्रैक इन ऑटो पर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल जैसे मिलेगा, सीसी एवरेज सस्पेंशन? यस, मैंने कहा था, मैं अगर आप देखते हो तो उसमें भी कहा था कि एजुकेशनल वीडियोस मैं करने वाला हूँ, लिटरली बेसिक एब्सोल्यूट बेसिक से, मतलब इंजन कैसे चलता है, कंबशन कैसे होता है, पावर कैसे मिलती है, एवरेज का मतलब क्या है, टॉर्क यानी क्या, हॉर्स पावर यानी क्या, 2.5 लीटर इंजन यानी क्या, मतलब वो क्या होता है सब, इंटरनल्स, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं। आई एम हियर टू एजुकेट यू ऑटो के बारे में। आप अगर हमारे ट्रैक इन ऑटो को फॉलो करोगे, आई प्रॉमिस यू अगले 3 से 6 महीनों में यू विल बिकम अ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट। ये मेरी नहीं, ये मेरा वादा रहा, दैट्स अ प्रॉमिस एंड दैट्स अ सीरियस प्रॉमिस, सीरियस। सुशांत पूछते हैं, दादा व्हाई मोबाइल नेटवर्क बिकम स्लो व्हाइल यूजिंग लिफ्ट्स इन अपार्टमेंट्स? देखिए खुली तो नहीं होती है लिफ्ट, जो होती है वो ओपन नहीं होती है, सिग्नल्स अंदर कैसे आएंगे, बंद होता है ना तो सिग्नल्स बंद हो जाते हैं अंदर आने, स्पेशली अगर आप वो ऑटोमेटिक जो लिफ्ट्स होते हैं उसमें जाओगे तो वो तो कंप्लीट बंद हो जाते हैं, सिग्नल पूरा लॉस्ट हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न वाई जो सिग्नल्स हैं वो अंदर नहीं आ पाते हैं, एज सिंपल एज, बेसमेंट में जब जाते हो तो सिग्नल्स नहीं आते क्योंकि यू आर बहुत सारे बीच में वॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सिग्नल्स कैन नॉट ट्रैवल, दैट्स द रीजन। खत्म, अरे
मुझे लग रहा है आज जल्दी खत्म हो गया। कितने सवाल, 20 सवाल थे या आई थिंक कम थे सवाल। साजिद कम सवाल लिए आज। एनीवे चलिए, जितने सवाल थे उतने तो आपको पसंद आए ना, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यस यू हैव टू डू दैट। चलिए दोस्तों, आज का हमारा हैशटैग आस्क करो एपिसोड नंबर 163 खत्म होता है इधर ही। एंड आई होप आपका आपको मजा आया होगा, थोड़ा थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज बढ़ गया होगा। अगर आपको कोई भी और सवाल है ज़रूर नीचे पूछिएगा, कुछ यूनिक सवाल पूछिए, हमें भी मज़ा आता है जवाब देने में। जी हाँ, सिर्फ टेक के नहीं, चलिए कुछ भी पूछिए। कोशिश करूँगा अगले टाइम टेक एंड थोड़े से और नॉन टेक, थोड़े मज़ेदार मसालेदार सवाल लूंगा। तो पूछिए, गो अहेड, गो डाउन कमेंट्स में पूछिए। चलिए चलिए दोस्तों, इस हैशटैग आस्क करो वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।